हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज आयशा खान एंड दिस इज द न्यू लेक्चर ऑफ इंग्लिश। आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम एंड आई ऑलवेज वांट यू शुड बी सेफ एट योर होम एंड लर्न गुड इंग्लिश। ओके, तो मैं आयशा खान, हम आज फिर से क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इंग्लिश का लेक्चर। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था, कुछ याद है? थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों ने क्या सीखा था लास्ट टाइम, में फिर से एक बार रिवाइज करा दूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना? वरना क्या होता जाएगा, हम आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे भूलते जाएंगे। हमारी आदत होती है ना, हम पीछे का हमेशा भूल जाते। हमने पिछले बार सीखा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर, याद है? याद आया? चलो बहुत अच्छी बात है। हमने क्या किया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हमें जो दिए हुए वर्ड्स होते हैं उन सारे दिए हुए वर्ड्स को क्या किया था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी मराठी में हम क्या कहते हैं उसे, वर्ण क्रमानुसार कैसे लगाना है वो सीखा था, है ना? तो हमें उसके हिसाब से, किसके हिसाब से लगाना था, ए टू जेड। और ए टू जेड क्या है, हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स है। और वो इंग्लिश के अल्फाबेट्स कितने होते हैं, मैंने बताया था टोटल कितने होते हैं, ए टू जेड कितने अल्फाबेट्स होते हैं, ए टू जेड टोटल होते हैं 26। और उस ए टू जेड में वोवेल कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं वो वोवेल्स, ए ए ई आई ओ और यू, ये हमारे क्या होते हैं, वोवेल्स। और बाकी होते हैं कंसोनेंट। कौन से कंसोनेंट होते हैं, इनको छोड़ के जितने भी हो गए, 5 माइनस करेंगे 21 हमारे पास क्या हो जाते हैं, 21 कंसोनेंट होते हैं। और वोवेल्स कितने होते हैं, 5। अंडरस्टूड? तो हमने ये देखा था, सिंपल था ये सब। तो अब मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि घर में आप जो भी चीज़ें देखो, आसपास जो भी आप जानवर देखो, एनिमल्स देखो, तो हमें क्या करना है, उसे इंग्लिश में बुलाना है, इंग्लिश में बोलना है, राइट? और आपके बुक के सिलेबस में भी है कि आपको सिलेबस में क्या दिया हुआ है कि आपको चीज़ें देखनी है, सोचना है और उसका नाम लिखना है, राइट? तो आज हम क्या करेंगे, दो चीज़ें सीखेंगे। पहली जो चीज़ हम सीखेंगे वो क्या होगा, वॉच। पहली चीज़ क्या होगी, वॉच, जो हमें देखनी है। दूसरी हम क्या करेंगे, राइट। तो राइट क्या होगा, नेम लिखेंगे हम। किसके नेम लिखेंगे, हम आगे देखेंगे। और साथ में हम क्या लिखेंगे, उसका अल्फाबेट भी लिखेंगे, हाँ? तो वो हम करते जाएंगे साथ साथ में, वो कैसे करना है हम वो सीख लेंगे। तो हमें क्या करना है, अब जैसे मैंने बोला जो चीज़ देखते हैं उसे इंग्लिश में बुलाना है। अब अगर आपको नहीं पता है इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो क्या करोगे, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। अगर उन्हें भी नहीं पता हुआ तो, है ना? तो मैंने क्या किया है, आपके लिए ये वीडियो बनाया है। इसमें हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो सीखेंगे हम इसमें, राइट? तो हमारी स्पीकिंग स्किल्स यहाँ पर सुधरने वाली है, आप लोगों को भी मज़ा आएगा और मुझे भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखो क्या क्या है, हम क्या सीखेंगे, नेम ऑफ फ्रूट्स। क्या करेंगे हम, फड़ंची नवे ये जो होते हैं वो हम देखेंगे। सेकंड क्या है, नेम ऑफ वेजिटेबल। वेजिटेबल्स को क्या बोलते हैं मराठी में, हमें पता है मराठी में क्या बोलते हैं, भाजिया। मंजे जो भी भाजी होगी हम उस भाजी के नाम भी इंग्लिश में देखेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। फिर जब आपकी मम्मी वो भाजी बनाएगी तो आप अपनी मम्मी को बताना कि मम्मी इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना? फिर है नेम ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। नेम मतलब क्या होता है, नाम। एनिमल मतलब होता है प्राणी। प्राणी का मतलब क्या होता है, एनिमल। फिर से बता रही हूँ, एनिमल मतलब क्या होता है, प्राणी। ओके, लेकिन हम कौन से भी प्राणी देखेंगे, पाड़ियों। पाड़ी मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक, जिसे हम घर में पाल सके, है ना? क्या किसी को देखा है घर में शेर पालते हुए, है ना? लेकिन शेर भी क्या है, प्राणी है। और कुत्ता देखा है पालते हुए, है ना? हम क्या देखते हैं कि लोगों के घर में डॉग्स होते हैं, तो हम डॉग तो पाल लेते हैं, तो ये कौन सा वाला प्राणी होता है, पाड़ियो, क्योंकि हम उसे घर पे रख सकते हैं। क्या आप लायन रख सकते हो घर पे, नहीं।
कुछ लोग बोलते हैं हाँ, लेकिन उनका घर भी फिर बहुत बड़ा होगा, है ना, हम नहीं रख सकते। सॉरी थोड़ा सा बीच में मैं रुक गई थी। हम कहाँ पर थे? डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, फिर हम देखेंगे वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल मतलब कौन से वन्य प्राणी है जो वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और जंगल को हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट। जंगल को क्या कहते हैं हम लोग, फॉरेस्ट, वन। जंगल हिंदी में होता है और मराठी में हम कहते हैं वन। तो जो वन में रहने वाले या फॉरेस्ट में या जंगल में रहने वाले प्राणी होते हैं उसे कहते हैं वाइल्ड एनिमल। और ऐसे वाइल्ड एनिमल के को क्या, उसके नाम जानेंगे हम। फिर है नेम ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स मतलब क्या होता है, पक्षी जो उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, हम उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे नेम ऑफ कलर्स, है ना, कौन से कलर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो हम लोग आज बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। कौन कौन सी चीज़ सीखेंगे, देखो, नेम ऑफ फ्रूट्स, नेम ऑफ वेजिटेबल्स, नेम ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, नेम ऑफ वाइल्ड एनिमल, नेम ऑफ बर्ड्स, नेम ऑफ कलर्स। तो हम इतनी सारी चीज़ें एक एक करके क्या करेंगे, सीखेंगे। तो स्टार्ट करें हम लोग अपने साथ, चलो। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, नेम ऑफ फ्रूट। तो ये सारे फ्रूट्स देखो, मुझे ये सारे फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। आप लोग खाते हो फ्रूट्स? मुझे भी बहुत पसंद है और आपको भी। तो अभी हम, मैं क्या करूँगी, मैं आपको इंग्लिश में बताऊँगी, ओके। और आपको क्या करना है, अपनी बुक में इसका नाम इंग्लिश में भी लिखना है और इंग्लिश के सामने आप मराठी में उसे क्या कहते हो वो क्या करना है उसके सामने लिखना है। जैसे सबसे पहला हमारा क्या है, बनाना। बनाना की स्पेलिंग बी ए एन ए एन ए, क्या हो गया, बनाना, ठीक है। बनाना क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बनाना, उसको आप मराठी में क्या कहते हो, केली, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है गावा, स्पेलिंग देख लो आप लोग, जी यू ए वी ए, गावा, गुआवा नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, गावा। जिसे हम मराठी में पेरू बोलते हैं, खाया है ना पेरू। नेक्स्ट चीकू, अब चीकू को तो हम चीकू ही बोलते हैं, लेकिन चीकू का इंग्लिश में नाम होता है सपोता फ्रूट, या फिर इसे मड एप्पल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसे चीकू लिखोगे तो भी वो राइट ही होगा। तो देखो, बनाना, गावा, चीकू, ये है हमारा मैंगो, सबको फेवरेट। फिर क्या आएगा, एप्पल। तो अभी हम लोग चीकू की स्पेलिंग देख लेते हैं, सी एच आई के यू, चीकू। नेक्स्ट है मैंगो, व्हाट इज दैट, मैंगो, क्या बोलते हैं उसे, आम, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, आम, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंगो। मैंगो का स्पेलिंग एम ए एन जी ओ, मैंगो। एप्पल किससे आता है, ए फॉर एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल, अंडरस्टूड। तो हमने कितने देखो, पांच फ्रूट देख लिए, बनाना, गावा, चीकू, मैंगो, एप्पल। आपने क्या करना है, अपनी बुक में नाम लिखना है और उसके आगे मराठी में भी लिखना है सामने। कैसे लिखोगे, देखो इधर पे मैंने अगर ऐसा लिखा है बनाना, पी ए एन ए एन ए, बनाना, तो उसके सामने आप क्या लिखोगे मराठी में, केली, अंडरस्टूड। अगर मैंने यहाँ लिखा है गावा, जी यू ए वी ए, गावा, तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे, पेरू, अंडरस्टूड। ऐसे आपको लिखना है। तो अभी क्या, बी किससे आता है, बनाना किससे आता है, बी से, गावा किससे आता है, जी से, चीकू किससे आता है, सी से, एप्पल ए, और मैंगो एम। सिंपल,
तो हमें क्या पता चल गया कौन से अल्फाबेट से कौन सा फ्रूट आता है। अंडरस्टूड। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे फ्रूट है, वाओ, देखते हैं। पहला है पपाया, पी से क्या आता है, पपाया, जिसे हम क्या कहते हैं, पपीता। पपीता की स्पेलिंग PAPAYA, पपाया। नेक्स्ट पोमग्रेनेट, जिसे हम दाड़िम बोलते हैं मराठी में, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं, अनार। ये भी किससे आता है, पी से, पोमग्रेनेट। POMEGRANATE, पोमोग्रेनेट, याद रखना ठीक है। घर पे जब भी कोई फ्रूट आएगा तो हमें कैसे बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, या फिर आपको मंगाना भी होगा तो क्या बोलेंगे हम, पप्पा मला बनाना पाहिजे, पप्पा मला केळी नाही पाहिजे, कस काय बोलायचं, बनाना पाहिजे, समजलं का। चला, मेलन, MELON, मेलन। मेलन क्या होता है हिंदी में, खरबूजा, है ना, खरबूजा क्या होता है वो, मेलन। अब आता है तरबूजा या फिर कलिंगड़, इसे हम क्या कहते हैं, वाटरमेलन, किससे होता है वो, W से, वाटरमेलन। देखो ये है सिंपल मेलन और ये कौन सा है, वाटरमेलन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी की स्पेलिंग STRAWBERRY, स्ट्रॉबेरी। और वाटरमेलन की स्पेलिंग WATER, वाटर, MELON, वाटरमेलन। तो हमने क्या किया, फ्रूट्स देखा, कौन कौन से फ्रूट्स है फटाफट देखते हैं, बनाना, चीकू, मैंगो, गावा, एप्पल, पपाया, मेलन, वाटरमेलन, पोमग्रेनेट, स्ट्रॉबेरी। अब हम क्या करेंगे, सब्जी देखेंगे, है ना, कितने हो गए, बहुत सारे फ्रूट हो गए ना। अब हम क्या देखेंगे, देखो वेजिटेबल्स के नाम, जिसको हम क्या कहते हैं, सब्जी या फिर भाजी, है ना। तो अब देखते हैं, ये सब हम लोगों ने खाया भी है। कैरोट, कैरोट मतलब गाजर, CARROT, कैरोट। कैरोट किससे आती है, सी से। इसको खाने से क्या होता है, आंखें तेज होती हैं, है ना, इसमें विटामिन सी होता है। नेक्स्ट कैबेज क्या होता है, ये भी आता है सी से, कैबेज, CABBAGE, कैबेज। इसे क्या कहते हैं, पत्ता गोभी, या फिर मराठी में पान गोभी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैबेज। ये क्या है, वांगी, है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रिंजल, BRINJAL, ब्रिंजल। नेक्स्ट रेडिश, रेडिश क्या होता है, मूली, क्या होता है, मूली। रेडिश को इंग्लिश, मूली को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेडिश, RADISH, रेडिश, क्या बोलते हैं इसे, रेडिश। आगे कैप्सिकम, शिमला मिर्च, क्या कहते हैं हम लोग इसको हिंदी में, शिमला मिर्च, लेकिन अब से क्या बोलेंगे, कैप्सिकम। कैप्सिकम की स्पेलिंग क्या है, CAPSICUM, कैप्सिकम। अंडरस्टूड, क्या है वो, कैप्सिकम। तो अभी जब भी मम्मी शिमला मिर्च की भाजी बनाएगी तो कौन सी बनाई बोलेंगे, कैप्सिकम। अंडरस्टूड। बिटर गॉर्ड, किसी को नहीं पसंद, इसे क्या कहते हैं, करेला, इंग्लिश में क्या है इसका नाम है, बिटर गॉर्ड, बिटर मतलब कड़वा। अंडरस्टूड।
गॉड, स्पेलिंग बी आई टी टी ई आर जी ओ यू आर डी, बिटर गॉड चिली। ये किसी को नहीं पसंद है खाने में, जब सबको पसंद है। देखो मुझे तो ज़्यादा नहीं पसंद है ना, हरी मिर्ची, क्या बोलते हैं इसे, हरी मिर्च, लेकिन इंग्लिश में ये है चिली, सी एच आई एल आई, चिली। अब ये है दूधी या फिर लौकी, इंग्लिश में बोलते हैं इसे बॉटल गॉड, क्योंकि ये बॉटल के जैसे दिखती है ना, इसीलिए क्या कहते हैं इसे, बॉटल गॉड। स्पेलिंग क्या है, बी ओ टी टी एल ई जी ओ यू आर डी, बॉटल गॉड, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आगे बढ़े, एक बार वापस से देख ले क्या क्या है, कैरोट, कैबेज, ब्रिंजल, रेडिश, कैप्सिकम, बिटर गॉड, चिली, बॉटल गॉड, अंडरस्टूड। देखो अगली क्या है, वाओ ये तो हमने देखी है रोज रोज, ये क्या है हमारी फेवरेट, पोटैटो, मराठी में क्या बोलते हैं या हिंदी में, बटाटे है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटैटो, पी ओ टी ए टी ओ, पोटैटो मतलब आलू, कांदे, कांदे को क्या बोलते हैं, ऑनियन, क्या बोलते हैं, ऑनियन, स्पेलिंग ओ एन आई ओ एन, ऑनियन, क्या बोलते हैं उसे, कांदा। अभी क्या आ गया, लहसुन, लहसुन को क्या बोला जाएगा, गार्लिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गार्लिक, स्पेलिंग जी ए आर एल आई सी, गार्लिक, जी ए आर एल आई सी, गार्लिक। पत्ता, ये हमारी फूल गोभी, पत्ता गोभी नहीं, क्या ये हमारी फूल गोभी, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर की स्पेलिंग सी ए यू एल आई एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, कॉलीफ्लावर, ठीक है। यह है फेन्यूग्रिक, जिसे हम मेथी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में, मेथी, तो ये मेथी भी क्या होती है, फेन्यूग्रिक, स्पेलिंग एफ ई एन यू जी आर डबल ई के, फेन्यूग्रिक। कोरिएंडर, जो पूरी भाजी बन जाती है, तो कोतम्बीर बोलते हैं, धनिया बोलते हैं, मम्मी लेकर आ जाओ धनिया डालेंगे ऊपर से, उस धनिया को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कोरिएंडर, क्या कहते हैं, कोरिएंडर, स्पेलिंग सी ओ आर आई ए एन डी ई आर, कोरिएंडर। नेक्स्ट है पालक, इंग्लिश में कहते हैं स्पिनच, क्या कहते हैं, स्पिनच, स्पेलिंग एस पी आई एन ए सी एच, स्पिनच, ठीक है। ये है अदरक, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जिंजर, क्या बोलते हैं, जिंजर, जी आई एन जी ई आर, फिर से बोल रही हूँ, जी आई एन जी ई आर, तो ये क्या हो गया, जिंजर। तो फिर से देख लेते हैं एक बार, हमने कौन कौन सी वेजिटेबल्स देखी है, देखो शुरुआत से, कैरेट, कैबेज, ब्रिंजल, रेडिश, कैप्सिकम, बिटर गॉर्ड, चिली, बॉटल गॉर्ड, फिर क्या देखा हमने, पोटैटो, अनियन, गार्लिक,
कॉलीफ्लावर, फेन्युग्रीक, कोरिएंडर, स्पिनच, जिंजर। तो हमने क्या किया, सब्जी भी देख ली। तो अभी जब भी मम्मी बनाएगी सब्जी तो आप क्या करोगे, मम्मी को बताओगे कि कौन सी सब्जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना, रोजी बनती होगी, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पाड़ी प्राणी या फिर डोमेस्टिक एनिमल, ऐसे एनिमल या फिर ऐसे प्राणी जिसे हम पाल सकते हैं, जो कि पालतू हो, जंगली ना हो। पालतू और जंगली में फ़र्क क्या होता है, जंगली जानवर क्या करते हैं, जंगल में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, मांस भी खाते हैं और थोड़े से ज़्यादा वाइल्ड होते हैं, है ना, एंगर होता है उनमें। लेकिन डोमेस्टिक एनिमल जिनको हम आसानी से पाल सकते हैं या फिर काबू में अपने कर सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट के हिसाब से हम ज़्यादा एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को पाल नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ है जिन्हें हम पाल सकते हैं ना। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारी काव, COW, काव, जिसे हम क्या कहते हैं, गाय, अंडरस्टूड। गाय को क्या कहते हैं इंडिया में, माता, अंडरस्टूड। तो ये क्या है हमारी माता, काव। नेक्स्ट बफेलो, जिसे क्या कहते हैं मराठी में भैंस और हिंदी में भैंस, BUFFALO, बफेलो। नेक्स्ट है कैट, CAT, कैट, CAT, कैट। कैट मतलब बिल्ली, मराठी में क्या कहते हैं मांजर, है ना। नेक्स्ट है ऊंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, कैमल, क्या बोलते हैं, कैमल, स्पेलिंग CAMEL, कैमल, CAMEL, कैमल। तो हमने क्या क्या देखा, काव, बफेलो, कैट एंड कैमल। नेक्स्ट ये भी रह गए ना हमारे, हम घोड़ा भी किसी किसी के पास देखते हैं। देखो तो घोड़े को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हॉर्स, क्या कहते हैं, हॉर्स, HORSE, हॉर्स। सबसे फेवरेट सबका डॉग, DOG, डॉग। फिर है हमारे यहाँ पे बकरी या फिर बकरा, है ना। अभी इसका क्या, इसे क्या कहते हैं, GOAT, गॉट, GOAT, गॉट। फिर सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला प्राणी डोंकी, TONKEY, डोंकी, DONKEY, डोंकी। तो हमने देखो कितने सारे देखे, पालतू पशु कौन कौन से हैं, काव, बफेलो, कैट, कैमल, हॉर्स, डॉग, गोट, डोंकी। नेक्स्ट आता वन्य प्राणी, वन्य प्राणी म्हणजे असे प्राणी जे जंगलात राहते या राहतो, अंडरस्टूड। मेरी मराठी ज़्यादा अच्छी नहीं है इसलिए मैं हिंदी में बात करती हूँ, है ना। तो ऐसे प्राणी जो जंगल में रहते हैं कौन कौन से हैं, एलिफंट, हाथी, है ना, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट क्या है, जंगल का सबसे बड़ा एनिमल होता है, ठीक है, सबसे बड़ा एनिमल होता है एलिफेंट। दूसरा डियर, DEER, डियर, हिरण या हरिण, बराबर। नेक्स्ट है चीता, याद रखना
चीता को इंग्लिश में चीता ही बोलते हैं, चीता क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चीता, स्पेलिंग CHEETAH, चीता। नेक्स्ट, अच्छा चीता की स्पेशलिटी, वो सबसे फास्ट एनिमल है, सबसे फास्ट एनिमल है चीता, है ना। नेक्स्ट जिराफ, GIRAFFE, जिराफ। अब जिराफ के बारे में क्या बताऊं, जिराफ सबसे लंबा एनिमल है। देखो अभी इसी में हमने क्या क्या देख लिया, एलिफेंट क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, जैसे सबसे मोटा बोल सकते हो, सबसे बड़ा होता है, लार्ज। जिराफ क्या होता है, सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा एनिमल होता है। चीता क्या होता है, सबसे फास्ट एनिमल होता है। ओके, नेक्स्ट है बियर, बियर क्या होता है, भालू, है ना। तो हमने कितने देख लिया वाइल्ड एनिमल, देखो 1, 2, 3, 4, 5, एलिफेंट, डियर, चीता, जिराफ, बियर। फिर है ज़ेब्रा, ज़ेब्रा, ZEBRA, ज़ेब्रा। फिर क्या है मंकी, MONKEY, मंकी। मंकी क्या होता है, मकड़, मतलब बंदर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मंकी। लायन, इसे क्या कहते हैं, किंग ऑफ द जंगल, किंग ऑफ द जंगल, मतलब जंगल का राजा होता है ये, LION, लायन, LION, लायन। फिर क्या होता है टाइगर, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, बंगाल टाइगर, ठीक है। क्या है हमारा राष्ट्रीय पशु, बंगाल टाइगर, तो ये क्या है हमारा टाइगर है, TIGER, टाइगर। नेक्स्ट है लेपर्ड, जिसको हम लोग बिप्टा बोलते हैं या फिर तेंदुआ बोलते हैं, बिप्टा बोलते हैं ना, बिप्टा मिल गया हमें कहीं न्यूज़ में आजकल बहुत होता है ना। तो इसे क्या कहते हैं लेपर्ड, स्पेलिंग LEOPARD, लेपर्ड, अंडरस्टूड। तो ये क्या हो गया हमारे वाइल्ड एनिमल, अंडरस्टूड। कौन कौन से थे, एलिफेंट, डियर, चीता, जिराफ, बियर, ज़ेब्रा, मंकी, लायन, टाइगर, लियोपार्ड। अब हम देखेंगे बर्ड्स, बर्ड्स मतलब क्या होते हैं, पक्षी। पक्षियों में सबसे पहले सबसे अच्छी आवाज़ वाली कुकू, कुकू मतलब क्या होता है कोयल, सुना होगा ना, वो कुकू करके जो गाती है ना, कुकू, CUCKOO, कुकू। नेक्स्ट स्पैरो, ये हमने सबने देखी है, सबके घर पे आती है चिड़िया, जो नॉर्मल हाउस स्पैरो होती है, जिसे हम क्या कहते हैं चिड़िया, तो ये क्या है हमारी स्पैरो। तो उसे चिड़िया को क्या बोलेंगे अभी देखेंगे, तो चिमनी ना ही बोले चा, बोले चा स्पैरो, स्पेलिंग है SPARROW, स्पैरो। नेक्स्ट है पिकॉक, PECOCK, PECOCK, पिकॉक। जैसे मैंने बताया कि टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल है, उसी तरीके से पिकॉक क्या है हमारा नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर,
अंडरस्टूड। और नेशनल हमारा एनिमल क्या था, प्राणी कौन सा था, टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट है ईगल, ईगल, ई ए जी एल ई, ईगल, ठीक है, जिसको बाज बोलते हैं। नेक्स्ट पेंगुइन, देखो अभी किसकी आवाज आ रही है, ये भौंकता कौन है, याद है, डॉग, डॉग क्या बताया था मैंने, कौन सा प्राणी होता है, पाड़ियों प्राणी ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक एनिमल। तो ऐसे याद रखना, जैसे भी आवाज़ आएगी तो कुत्ता नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे, डॉग, है ना। चलो अब हम बर्ड पे आ जाते हैं वापस से। अब नया बर्ड कौन सा हमने देखा, पेंगुइन, पी ई एन जी यू आई एन ई, पेंगुइन। अब देखो मैंने बोला था ना कुछ बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं सकते, तो उनमें एक आता है पेंगुइन। पेंगुइन क्या करता है, वो तैरता है, वो उड़ता नहीं है, वो बर्फ पे रहता है। हाँ कहाँ रहता है, बर्फ में हमेशा। अगर जगह का नाम बताऊँ तो वो रहते हैं साउथ पोल पे, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध जिसे बोलते हैं मराठी में, इंग्लिश में कहते हैं साउथ पोल, तो वो हमेशा बर्फ में रहते हैं। और ये पेंगुइन क्या है, उड़ नहीं सकते। स्पेलिंग मैंने बता दी, पी ई एन जी यू आई एन ई, पेंगुइन। नेक्स्ट है देखो, पहला है हमारा पोपट, है ना, पोपट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पैरोट, पी ए आर आर ओ टी, पैरोट। नेक्स्ट है इसे कहते हैं हम क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कौआ, क्या कहते हैं, कौआ। नेक्स्ट है आउल, ओ डब्ल्यू एल आउल, ओ डब्ल्यू एल आउल। आउल को क्या कहते हैं हिंदी में, उल्लू, और इंग्लिश में आउल। अब यहाँ पे एक पक्षी है, आप लोग देखो, ये ऑस्ट्रिच, देख रहे हो कितना बड़ा है, ये पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी होता है, कौन सा, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच की स्पेलिंग ओ एस टी आर आई सी एच, ये वाला पक्षी, देख रहे हो यहाँ जीभ कितनी छोटी दिख रही है ना इसके सामने, ऑस्ट्रिच, ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी होता है ऑस्ट्रिच। फिर हमारी छोटी सी मुर्गी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैन, एच ई एन, हैन। तो हमने बर्ड्स में क्या क्या बर्ड्स देखे, देखो पहले हमने देखे कुकू, स्पैरो, पिकॉक, ईगल, पेंगुइन, पैरट, क्रो, आउल, ऑस्ट्रिच, हैन। अभी आगे क्या देखेंगे, लास्ट है हमारा आज का टॉपिक रंग। रंग को क्या कहते हैं हम लोग, कलर्स। तो ये अलग अलग कलर हैं, आज मैंने सिर्फ 7 ही कलर लिए हैं, और ये कलर्स के अलग अलग मैंने मराठी में भी नाम बोला है और इंग्लिश में भी। तो मैं इंग्लिश में बोलूँगी, आपको देख के समझना है कि वो कौन सा कलर है। पहला कलर है ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, कौन सा है वो, आप बोलो घर पे, नारंगी, है ना। नेक्स्ट है ब्लू, बी एल यू ई, ब्लू, बी एल यू ई, ब्लू। नेक्स्ट है व्हाइट, डब्ल्यू एच आई टी ई, व्हाइट। नेक्स्ट है ग्रीन, जी आर डबल ई एन, ग्रीन। येलो, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, येलो। ब्लैक, बी एल ए सी के, ब्लैक।
R-E-D, रेड। तो ये हो गए हमारे आज के कलर, कौन कौन से, ऑरेंज, ब्लू, वाइट, ग्रीन, येलो, ब्लैक, रेड। तो हो गए हमारे सारे कलर भी और हमने बहुत सारी चीज़ देखी। तो देखिए शुरुआत से आज हमने क्या क्या देखा, तो हमने सबसे पहले देखा नेम ऑफ फ्रूट्स मतलब फलों के नाम, फिर देखा हमने नेम ऑफ वेजिटेबल्स, फिर हमने देखे नेम ऑफ एनिमल्स, फिर कौन से वाले डोमेस्टिक, दूसरे हमने देखे नेम ऑफ वाइल्ड एनिमल, फिर क्या देखा हमने नेम ऑफ बर्ड्स और नेम ऑफ कलर्स। तो एक बार फटाफट हम लोग ले लेते हैं रिविजन। बनाना, चीकू, मैंगो, देखो फिर से मैं एक बार रिवीजन ले रही हूँ, फटाफट देख लो फिर मुझे मत बोलना मैंने नहीं बताया था, है ना। बनाना, चीकू, गावा, एप्पल, मैंगो, नेक्स्ट पपाया, मेलन, वाटरमेलन, पोमग्रेनेट, स्ट्रॉबेरी, ये हो गए हमारे फ्रूट्स। फिर हमने क्या देखा वेजिटेबल्स, कौन कौन सी, कैरोट, कैबेज, ब्रिंजल, रेडिश, कैप्सिकम, बिटर गौर, चिली, बॉटल गौर, नेक्स्ट क्या है, पोटैटो, अनियन, गार्लिक, कॉलीफ्लावर, फेन्योग्रिक, कोरिएंडर, स्पिनच, जिंजर। ये हो गए हमारी वेजिटेबल्स। और अब क्या आया हमारे पाड़ी प्राणीज, क्या हो गए पहले काउ, बफेलो, कैट, कैमल, नेक्स्ट हॉर्स, डॉग, गोट, डोंकी, नेक्स्ट वाइल्ड एनिमल, एलिफेंट, जिराफ, डियर, बियर, चीता, नेक्स्ट ज़ेब्रा, मंकी, लायन, टाइगर, लेपर्ड, नेक्स्ट नेम ऑफ बर्ड्स, कोको, स्पैरो, पिकॉक, ईगल, पेंगुइन, नेक्स्ट पैरट, क्रो, आउल, ऑस्ट्रिच, हैन। लास्ट में हमने क्या देखे कलर्स, जिसमें कौन कौन से कलर देखे, ऑरेंज, ब्लू, वाइट, ग्रीन, येलो, ब्लैक, रेड। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम संडे मंडे और अलग अलग जो मंथ्स होते हैं जनवरी फरवरी इसकी स्पेलिंग भी देखेंगे और फिर हम देखेंगे व्हाट इज राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।